अपने ख्वाहिशों का बोझ दूसरों पे लादने के बजाय इसे खुद ढो के देखिए, फर्क समझ में जरूर आएगा। यहाँ तक कि ख्वाहिशों को जन्म देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हेलो, माय नेम इज शुभ लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज रिटोरिक एंड व्हाट इज रिटोरिकल डिवाइसेस। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है, इफ यू थिंक माई वीडियो हैव पोटेंशियल then please subscribe my channel and press the like button also so that I could be inspired to make more videos. So देर न करते हुए let's get started. What is rhetoric? Rhetoric जिसका literal meaning होता है अलंकार शास्त्र, और इसे शब्द अलंकार भी कहा जाता है। इसे ग्रीक वर्ड रिटोर से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है ऑरेटर मीन्स वक्ता या पब्लिक स्पीकर। इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म जनरली रेफर्स टू पर्सुएसिव और इम्प्रेसिव स्पीच और राइटिंग, दैट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज विच इज डिजाइंड टू पर्सुएड और स्वे और मूव पीपल। यह टर्म जनरली रेफर करता है प्रेरक या प्रभावशाली स्पीच या राइटिंग को। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या पीपल को मोटिवेट करना होता है, इम्प्रेस करना होता है, तब इस तरह के स्पीचेस का हम यूज़ करते हैं। रिटोरिकल स्पीचेस डिफरेंट होता है आपका ऑर्डिनरी राइटिंग या स्पीच से। जब किसी सिंपल या ऑर्डिनरी राइटिंग को स्पेशल बनाना होता है, सपोज दैट कि आपको कहीं स्पीच देना हो, तो हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को मैक्सिमम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हम उसे खूबसूरती से लिखते हैं और उसे फिर बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे कंडीशन में हम जाने अनजाने में कई सारे रिटोरिकल डिवाइसेस का यूज़ भी कर चुके होते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता। तो रिटोरिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब जैसे कि एक और वर्ड यहाँ पर आया है, रिटोरिकल डिवाइसेस। तो रिटोरिकल डिवाइसेस को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जांपल के थ्रू। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, बल्कि उसे डिवाइसेस के थ्रू यूज़ करते हैं। सेम इज हियर, किसी राइटिंग को या स्पीच को स्पेशल बनाते हैं तो वो रिटोरिकल डिवाइसेस के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ आज के वीडियो में मैंने आप लोग को समझा, एक्सप्लेन किया रिटोरिक क्या है, लेकिन रिटोरिकल डिवाइसेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और आज अभी मैं आप लोग को 2 पैसेज देने जा रही हूं और आपको इनमें से उनको पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन सा रिटोरिक है और कौन सा सिंपल या ऑर्डिनरी स्पीच है। सो द फर्स्ट पैसेज इज, अ फ्यू ईयर्स अगो 7 swallows वेर कॉट near their nest at Brimen in Germany. They were marked with a red dye on some of their white feathers so that they could easily be seen. Then they were taken by aeroplane to Croydon near London. तो ये थे फर्स्ट पैसेज। और सेकेंड पैसेज इज, we have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is wage war by sea, land and air, with all your might and with all the strength that God can give us, to use war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory, victory at all cost, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be, for without victory there is no survival. तो ये थे 2 पैसेज। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आपको बताना है कि इन दोनों पैसेजों में से कौन सा रिटोरिकल है और कौन सा ऑर्डिनरी है। आप चाहे तो अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।